देखिए दोस्तों, ये है पापड़ चूरी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप इसे ज़रूर। चलो दोस्तों, चलिए आज हम सीखते हैं पापड़ की चाट कटोरी बनाना। इसके लिए मैंने पापड़ लिए हैं, अब इसको गैस की लो पर भूनते हैं। इसको मीडियम लो पर भूनते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए पलट रही हूँ, इसलिए मेरा पापड़ जल ना जाए, अच्छे से भून जाए। देखिए मेरा पापड़ भून चुका है, थोड़ा सा और रह गया, मैं इसको और कंप्लीट। दोस्तों, मेरे पापड़ भून कर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाती हूँ। इनको दोस्तों ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, इसको मीडियम साइज का रखना है। पापड़ टूट चुकी है, तो हम अपनी पापड़ चूड़ी तैयार करते हैं। इसमें मैं कुछ कटी हुई प्याज ऐड कर देती हूँ, कटी हुई हरी मिर्ची डाल देती हूँ इसमें कुछ, इसमें कुछ कटी हुई टमाटर डाल देती हूँ। आप चाहो तो इसमें आलू भी फ्राई करके डाल सकते हो। फिर मैं इसमें कुछ कटी हुई धनिया डाल देती हूँ। अब मैं इसमें कुछ हल्का सा नमक ऐड करूँगी। इसमें मैं लाल मिर्ची और धनिया भी ऐड करूँगी। इसमें कुछ मैं चाट मसाला भी डालूँगी। इसमें मैं कुछ भुना हुआ जीरा भी ऐड कर देती हूँ दोस्तों। अब मैं इसको मिला देती हूँ। दोस्तों, एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, जब आप इसे खाएं तभी तुरंत ही बनाएं, नहीं तो ये खस्ता नहीं रहती है, ऐसी हो जाती। अब इसको डेकोरेट कर देते हैं फिर से। इसमें फिर से अच्छी सी प्याज ऐड करूंगी मैं, फिर इसमें टमाटर ऐड करूंगी थोड़े से, और फिर इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। और देखिए, ये मेरी पापड़ चूरी बनके तैयार है। पापड़ चूरी, इसे आप जल्दी बनाएं और खाकर ज़रूर बताएं मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।